हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप। दोस्तों आज मैं आपको लाडोवाल रेलवे स्टेशन का दोस्तों ओवरव्यू करवाऊंगा, जो कि दोस्तों अपना लुधियाना अमृतसर वाले रूट पे रेलवे स्टेशन आता है। और दोस्तों जो इसकी अपना लुधियाना जंक्शन से का डिस्टेंस है दोस्तों अपना 10 किलोमीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वाला अपना रेलवे स्टेशन का दोस्तों बाहर का व्यू है, और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और चलिए फिर दोस्तों मैं आपको इस रेलवे स्टेशन को ओवरव्यू करवाता हूँ और प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। और दोस्तों अभी मैं अपना दोस्तों प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ये अपना लाडोवाल रेल स्टेशन का प्लेटफॉर्म पर बंद है, और आप दोस्तों इस साइड व्यू देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये वाली दोस्तों जो ट्रेन है दोस्तों, जो अपना कटरा से आई दोस्तों, जो अपने श्री और अपना बांद्रा टर्मिनल जाएगी दोस्तों, स्वराज एक्सप्रेस, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों ट्रेन अपना स्किप कर रही है दोस्तों, इस ट्रेन को स्टेशन को, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला दोस्तों अपना वेटिंग हॉल है, और जहाँ वहाँ से दोस्तों हम टिकट परचेज कर सकते हैं। और आप इस साइड से भी देख सकते हैं दोस्तों। और चलिए फिर दोस्तों मैं आपको रेलवे स्टेशन का दोस्तों थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूँ। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना बैग है। और दोस्तों अभी मैं अपना दोस्तों प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ये अपना लाडोवाल रेल स्टेशन का प्लेटफॉर्म पर बंद है, और आप दोस्तों इस साइड व्यू देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये वाली दोस्तों जो ट्रेन है दोस्तों, जो अपना कटरा से आई दोस्तों, जो अपने श्री और अपना बांद्रा टर्मिनल से जाएगी दोस्तों, स्वराज एक्सप्रेस, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों ट्रेन अपना स्किप कर रही है दोस्तों, इस ट्रेन को, स्टेशन को, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला दोस्तों अपना वेटिंग हॉल है, और जहाँ वहाँ से दोस्तों हम टिकट परचेज कर सकते हैं। और आप इस साइड से भी देख सकते हैं दोस्तों। और चलिए फिर दोस्तों मैं आपको इस रेलवे स्टेशन के दोस्तों थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूँ। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना बैग है। और चलिए फिर दोस्तों मैं आपको इस रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ दोस्तों। और दोस्तों जो इसका अपना लुधियाना टू लाडोवाल का डिस्टेंस है दोस्तों, वो अपना 10 किलोमीटर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और जब एक बार दोस्तों मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ उस रेलवे स्टेशन का, और लाडोवाल। और वैसे दोस्तों आगे अपना दिखाने के लिए दोस्तों कुछ है नहीं, फिर भी दोस्तों मैं आपको आगे से बोर्ड दिखाने के लिए ले चलता हूँ दोस्तों लाडोवाल रेलवे स्टेशन का। और दोस्तों जो इसका अपना लुधियाना टू जलंधर का डिस्टेंस है दोस्तों, वो अपना 61 किलोमीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं लुधियाना से लेकर जलंधर जंक्शन का। और दोस्तों जो इसका लुधियाना टू फगवाड़ा जंक्शन का डिस्टेंस है दोस्तों, वो अपना 43 किलोमीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों मैंने अपना फिलौर जंक्शन और जलंधर कैंट जंक्शन, फगवाड़ा जंक्शन का ओवरव्यू किया हुआ है, इस रेलवे स्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो इसका अपना ब्यास रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है लुधियाना लाडोवाल से ब्यास का दोस्तों, वो अपना 90 किलोमीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और चलिए फिर दोस्तों पहले मैं आपको आगे से बोर्ड दिखाने के लिए ले चलता हूँ दोस्तों। और एक बार दोस्तों यहाँ से व्यू देख सकते हैं दोस्तों, और लाडोवाल रेलवे स्टेशन का आपके लिए दोस्तों मैं लेटेस्ट ओवरव्यू बना रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों आगे आपको दोस्तों मैं आपको ट्रेनों के बारे में बताऊंगा दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं वैसे दोस्तों मैंने आपको फ्रंट व्यू और आगे से दोस्तों अपना व्यू दिखा दिया दोस्तों, अब यहाँ से थोड़ा सा व्यू दिखाने के लिए। और दोस्तों मैं अभी अपना दोस्तों प्लेटफॉर्म बोर्ड के पास आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यह बोर्ड देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों थोड़ी सनलाइट की प्रॉब्लम पड़ रही है लाडोवाल। और दोस्तों मैं आपको दूसरी साइड से व्यू दिखाता हूँ दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से दोस्तों अपने ट्रेन एक स्किप करेगी दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। और ये वाली दोस्तों अपना अमृतसर दोस्तों गोरखपुर एक्सप्रेस, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला ट्रेन अपना लाडोवाल रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। और चलिए दोस्तों मैं आपको आगे से बोर्ड दिखाता हूँ दोस्तों। और दोस्तों अब यहाँ से बोर्ड देख सकते हैं लाडोवाल रेलवे स्टेशन का। और चलिए फिर दोस्तों मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लेकर चलता हूँ दोस्तों।
वहाँ से दोस्तों आपको व्यू दिखा कर दोस्तों वहीं पर अपना ओवरव्यू दोस्तों बंद कर दूंगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं और वैसे दोस्तों मैंने अपना दोस्तों काफ़ी जर्नीज भी की हुई है, जैसा कि दोस्तों अपना लुधियाना से लेकर चंडीगढ़ तक और लुधियाना टू फिरोजपुर कैंट, दोस्तों इन दोनों जर्नियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों मैंने अपना लुधियाना जंक्शन और चंडीगढ़ जंक्शन, फिरोजपुर कैंट जंक्शन, सभी रेलवे स्टेशनों के दोस्तों ओवरव्यू किए हुए हैं। इन सभी रेलवे स्टेशनों के दोस्तों ओवरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों, और जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने अपना सानेवाल दुराहा रेलवे स्टेशन का भी दोस्तों ओवरव्यू किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए फिर दोस्तों आपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो दोस्तों देख लिया होगा, अब मैं दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लेकर चलता हूँ दोस्तों। और दोस्तों अभी मैं अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों जब ट्रेन अपना लाडवाल रेलवे स्टेशन पर दोस्तों रुकी हुई है, आगे दोस्तों इस ट्रेन को अपना सिग्नल नहीं मिला है, और इसी वजह से दोस्तों जो अपना लाडवाल रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। और दोस्तों अब मैं आपको आगे से बोर्ड दिखाने के लिए ले चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 का दोस्तों। और चलिए फिर दोस्तों अब मैं आपको आगे ट्रेन बता देता हूँ जो दोस्तों अपन जहाँ पर अपना अराइवल डिपार्चर लेती हैं। और दोस्तों जो अपना पहली ट्रेन है 04555 लुधियाना लोहिया खास DMU स्पेशल, और जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो उसका लुधियाना जंक्शन से चलने का टाइम है वो अपना 7:15 है, और अपना लाडोवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है दोस्तों 7:27 सुबह, और चलने का टाइम। और दोस्तों जो अपना लुधियाना जंक्शन अपना लाडोवाल रेलवे स्टेशन 7:27 पर पहुंचती है दोस्तों रात को, और लोहिया खास पहुंचती है दोस्तों डेस्टिनेशन 9:35 रात को, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो अपना जो अगली ट्रेन है वो अपना 04629 DMU लुधियाना लोहिया खास, और जैसा कि आप देख सकते हैं जो उसका लुधियाना जंक्शन से चलने का टाइम है वो अपना 5:25 है सुबह, और लाडोवाल 5:35 सुबह, और डेस्टिनेशन लोहिया खास पहुँचती है दोस्तों वो अपना 7:40 पर पहुँचती है। और दोस्तों मैं बोर्ड दोस्तों आपको यहीं से दिखा देता हूँ और लाडोवाल। चलिए फिर दोस्तों मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। दोस्तों आपने दोस्तों यहाँ से तो व्यू देख लिया होगा लाडोवाल रेलवे स्टेशन का। और दोस्तों जो इसकी अपना अगली ट्रेन है दोस्तों वो अपना 04690 एक्सप्रेस जलंधर सिटी अम्बाला एक्सप्रेस दोस्तों जो है जलंधर से चलने का टाइम 4:25 और दोस्तों इस ट्रेन ने अपना डिपार्चर ले लिया है लाडोवाल रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों डेस्टिनेशन अम्बाला कैंट पहुँचने का टाइम है वो अपना 9:45 और जैसा कि आप देख सकते हैं। और रेल वाला दोस्तों अपना प्लेटफॉर्म नंबर 2 है लाडोवाल का। और जो दोस्तों अपना अगली ट्रेन है वो अपना 04591 लुधियाना अमृतसर मेमू ट्रेन, और जो इसका दोस्तों लुधियाना जंक्शन से चलने का टाइम है अपना 8:20 सुबह, लाडोवाल 8:31 डेस्टिनेशन अमृतसर 12 है दोपहर को, और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो अपना अगली ट्रेन है वो अपना 04630 लोहिया खास लुधियाना DMU जो उसका लोहिया खास से चलने का टाइम वो अपना 8 है मॉर्निंग, जो लाडोवाल पहुँचती है 9:46 और लुधियाना जंक्शन 8:15 और जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों जी आप दोस्तों अब यहाँ से व्यू देख सकते हैं दोस्तों लाडोवाल रेलवे स्टेशन का। और अभी मैं दोस्तों जब ओवरव्यू दोस्तों यहीं पे बंद कर दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक बार दोस्तों बोर्ड देख सकते हैं लाडोवाल, और जहाँ से दोस्तों अपना स्टेशन का दोस्तों एंड होता है जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और एक बार दोस्तों मैं आपको इस साइड से व्यू दिखा देता हूँ। और आप यहाँ से दोस्तों अच्छी तरह से व्यू देख सकते हैं दोस्तों इस रेलवे स्टेशन का। और चलिए फिर दोस्तों मिलता हूँ दोस्तों आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रहें, खुश रहें। ओके दोस्तों, आप उम्मीद कर दोस्तों जेवल आपको ओवर भी पसंद आएगा, और इसी तरह और वीडियोस देखते रहिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू। और आप दोस्तों अब यहाँ से व्यू देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से थोड़ा व्यू दिखाने के लिए रह गया दोस्तों, ये वाला अपना फ्रंट व्यू है लाडोवाल रेलवे स्टेशन का। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। और चलिए फिर दोस्तों मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो पर। और